नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2024 का विश्लेषण कि इसमें आपके सारे कार्य बनेंगे, आप खुद इसको जान सकते हैं, खुद कर सकते हैं, आपके द्वारा ही किया जाएगा, इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। 2024 जिसका मूल्यांक आता है 8, और 8 जो है न्यूमरोलॉजी में शनि का अंक माना जाता है, अर्थात ये पूरा साल शनि के अधिपत्य में संचालित होगा, अर्थात इस पूरे साल का राजा ग्रह जो है वह शनि है। शनि क्या है? शनि जो है सूर्य पुत्र है, उनको कर्म के विधान में कर्म का देवता बनाया गया है, और शनि को ही न्याय का देवता बनाया गया है, अर्थात कर्म फल जैसा मनुष्य कोई भी किसी प्रकार का कर्म करता है उसका पूरा फल जो है देने के लिए शनि देव जिम्मेदार है। तो अब शनि देव जिम्मेदार हैं तो निश्चित रूप से पहली बात है कि अगर ये साल आप खुशहाल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो शनि देव का कर्म रूपी जो आपके द्वारा किया जाएगा उसे व्यवस्थित करें, न्याय प्रिय करें, अनुशासित करें, तो ये पूरा साल आपको अच्छा फल देगा। तो अब कर्म फल है क्या? कर्म फल है जो भी आप कार्य करते हैं। कार्य करने का मतलब होता है आपके द्वारा किसी को कष्ट देना, वाणी से, कर्म से, ये सारे कर्म फल आते हैं और इसका फल बनेगा ही। कोई भी कार्य जो करते हैं इसका कर्म फल बनता है। जब दूसरों की सेवा करेंगे तो आप सेवक हो जाएंगे, और शनि देव जो है सेवक के लिए प्रसन्न रहते हैं, अर्थात सेवक के कारक होते हैं। तो ये पूरे साल आपको सेवक बन करके रहना है। एक राजा है, वह प्रजा की सेवा करता है तो वह सेवक है। एक मालिक है, अपने फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसका सेवा करता है तो वो सेवक है, और जो फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं वो भी फैक्ट्री का, संस्था का सेवा कर रहा है तो वो भी जो है सेवक है। इस प्रकार पूरे ऊपर से नीचे तक सेवक के रूप में अगर ये साल काम कोई भी व्यक्ति किया उसको अच्छा फल मिलेगा। अगर कर्म में अंतर आया, ऊंच नीच आया, कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो इसे फल मिलेगा ही, यह कोई रोक नहीं सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये साल को और कैसे प्रसन्न करें, रामबाण क्या हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि शनि देव की सारे साथी जो चलती है वह किसी को नहीं छोड़ता है। राजा नील को भी नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा, और भगवान जितने भी हुए हैं देवता उसे भी नहीं छोड़ा। तो ऐसी स्थिति में शनि देव जो है सो एक बार हनुमान जी के जो है शरीर में प्रवेश करने लगे कि भाई सारे शादी स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है, हनुमान जी मैं आपके शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। उसका विधान है 2.5 साल पैर में रहना, अर्थात भटकाएगा आपको, कोई भी काम नहीं बनने देगा, आप दिन रात बेवजह भटकते रहोगे, चलते रहोगे। फिर 2.5 साल मस्तिष्क में रहते हैं तो मस्तिष्क ही विचलित कर देता है, कोई भी निर्णय सही नहीं होना, कोई भी कार्य सही नहीं होना, और आप जो है मस्तिष्क से पागल की तरह हो जाओगे। और 2.5 साल मुख में रहते हैं जो वाणी इतनी कर्कश कर देते हैं कि सारे कर्म को बिगाड़ देते हैं, लोग जो दंड नहीं भी मिलना चाहिए वो मिलने लगता है, खुद लोग आमंत्रित कर लेता है अपनी वाणी से कि ये जो है सो हमारे लिए है। अब देखें ये सारी चीज़ को हम व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। जब हनुमान जी के शरीर में प्रवेश करने लगे शनिदेव तो हनुमान जी ने बड़े बड़े चट्टानों से उन्हें अपने सिर के ऊपर दबा दिया। वह चिल्लाने लगे मेरी प्राण निकल जाएगी, मुझे निकाल दो, और उन्होंने वरदान दिया कि अब आपके शरीर में हम कभी प्रवेश नहीं करेंगे। बोला ऐसा नहीं, मेरे भक्त के शरीर में भी प्रवेश अगर कर गए हो और वो मेरा भक्त है, पूजा करता है, तो आप उसे कभी भी अपने जो इस खड्यंत्र है उससे बाहर कर दोगे, अर्थात आप उस व्यक्ति पर जो हनुमान जी की सेवा करता है वह उसके ऊपर सारे साथी का प्रभाव भी कम हो जाता है और व्यक्ति आनंदित रहने लगता है। तो इस प्रकार अब हम बता रहे हैं कि हनुमान जी का विधान जो है तो हनुमान चालीसा आपको नित पाठ करना है, हनुमान यंत्र की स्थापना घर में करना है, हनुमान को चोला चढ़ाना है,
हनुमान जी की जो है सो एक लॉकेट अपने अंदर रखना है, अपने पास रखना है, और हनुमान मंत्र को ओम हनु हनु हनुमन्ते नमः जो है सो अपने पर्स में रखना है। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा जगह पर इसका लेकर के नहीं जाना है, दुरुपयोग नहीं करना है जो गंदा जगह हो। अब हम आते हैं कि हनुमान जी की सेवा से कैसे प्रसन्न होते हैं शनिदेव। तो आपने जाना कि हनुमान जी की नित पूजन पाठ से हनुमान जी पर, हनुमान के भक्तों पर शनिदेव का प्रभाव नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति, जो भक्त मेरा भी भक्त है, अगर आपको तिल और तेल चढ़ाता रहा तो जीवन में उसे कष्ट नहीं होगा। और ये बात शनिदेव ने स्वीकार किया। तो शनिवार को आप तिल का तेल और काले तिल चढ़ाना आवश्यक है, शनि मंदिर में जाकर के दर्शन करना आवश्यक है। ध्यान क्या रखना है वो समझें कि उनकी दृष्टि आप पर नहीं पड़े, अर्थात आप अपनी दृष्टि उनके दृष्टि पर नहीं डालें, उनके चरणों पर डालें और उनका पूजन करें। और जब पूजन खत्म हो जाए, जब मंदिर से बाहर निकल लें तो पलट करके नहीं देखना है। तो इस प्रकार से जो है सो आप पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, सारे साथी ढैया इत्यादि आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो दो चीज़ हम केवल बताए हैं कि एक तो आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, दूसरा कर्म के अंतर्गत अपने सेवक की सेवा आप करें, और तीसरा हनुमान जी की पूजा साधना, घर से निकलें तो हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ करके निकलें, और चौथा जो है सो शनि मंदिर में शनिवार को आपको तिल और तेल चढ़ाना है। तो ये अगर नित्य आप साल में करते हैं तो बहुत रिसर्च खोज के बाद एक मंत्र के रूप में हम आपको इसको दे रहे हैं, आप इसका उपयोग करके रखें। विश्वास श्रद्धा जितना अधिक होगा फल उतना आपको मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।